उत्तराखंड से आए हुए हमारे सभी संविधान प्रेमी बंधुओं बहनें, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यह दिन हमारे लिए दशहरा और दीपावली से कम नहीं है, उससे बहुत बड़ा दिन है। दशहरा और दीपावली से कई गुना बड़ा दिन है। यही संविधान हमें जीने और खाने और रहने का आज़ादी देता है, अन्यथा हमारे पूर्वज खटिया पर बैठने के काबिल नहीं थे। ये मनुवादी सोच समाज में इतना गंदगी, इतना गंदा नियम लागू किया था कि मैला ढोने वाला का पुत्र सिर्फ मैला ढोएगा। हम एक मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा आज कि उन्होंने बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाया है। मैला ढोने की प्रथा जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को आज तक थी। आज आजादी के 70 वर्ष तक उस समाज को सिर्फ मैला ढोने की आजादी थी और कोई बात की आजादी नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने एक कानून बना करके उस नियम को खत्म किया है और उनको पूरा तरह से अधिकार दिया है कि वो अब सिर्फ महिला नहीं ढोंगे, वो आईपीएस आईएएस और जज भी बनेंगे। मैं मोदी जी के नाम पर ताली बजाता हूँ। उन्होंने मोदी जी ने आप वाल्मीकि समाज के काम को आगे, बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाया है। आप सोचिए, तमाम कुरीतियों के हमारे पूर्वजों ने समाप्त किया है। हमारे इर्द गिर्द कई कुरीतियाँ फलती फूलती है, हम देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हमारे बीच में है। बाबा साहेब ने सारे कुरीतियों से लड़ने की हमें ताकत दिया है, लेकिन हम चुप हो जाते हैं। हम क्यों चुप होते हैं? आज देखिए, सबसे बड़ा कुरीति हमारे बीच क्या है? डाइन और ओझा। चल कर देख लीजिए, हर गांव में कोई किसी को डाइन बना देता है, कोई किसी को ओझा बना देता है। अगर ओझा में किसी को पीड़ा हरने की ताकत होती तो सेना की बहाली नहीं होती, उस ओझा को हम लोग वहां पर कर देते पाकिस्तान के बॉर्डर पर और वो मंतर मार देता, पाकिस्तान भस्म हो जाता। लेकिन इस कुरीतियों से हम लोग घिरे हुए हैं और ओझा को पूछते हैं। हमें एक चीज का संविधान दिवस पर शपथ लेना होगा कि अगर गांव समाज में किसी महिला को कोई डाइन कहता है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, अगर कोई किसी को ओझा कहता है तो उसके खिलाफ में खड़ा।